जब भी कोई मनुष्य गुरु के द्वार जाता है और गुरु शिष्य के सर हाथ रखता है तो ज्ञान की किरणें उसके जीवन में प्रवेश करने लगती हैं। ज्ञान अर्जित करने के लिए मनुष्य की सबसे बड़ी गुरु और साथी होती है पुस्तकें और सर्वोत्तम स्थान होता है गुरु का द्वार या पुस्तकालय, जिसके शांत व शुद्ध वातावरण में अध्ययन लीन होकर कोई भी व्यक्ति ज्ञान की अनेक मणियां पा सकता है। और ऐसा ही शैक्षिक, सामाजिक, मानसिक, आत्मिक और सांस्कृतिक विकास में सहायक है पगवंती यादगारी पब्लिक लाइब्रेरी, पिंड जुड़ाहा, जिला लुधियाना, जो कि प्रोफेसर जसवंत सिंह की सामाजिक सेवा का एक जीता जागता उदाहरण है। अमेरिका में रहने के बावजूद लगभग 5-6 वर्ष मोबाइल लाइब्रेरी यानी चल पुस्तकालय, जिनका स्थान विशेष बस में होता है, चलाने के बाद प्रोफेसर साहब ने इस पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना की, जहां कोई भी व्यक्ति निशुल्क मौजूदा पुस्तकों को पढ़ सकता है या अल्प अवधि के लिए अपने साथ ले जा सकता है। पगवंती यादगारी पब्लिक लाइब्रेरी आर्थिक तंगी से जूझ रहे लोगों के लिए वरदान तो साबित हो ही रही है, साथ ही बच्चे, बूढ़े, नौजवान और पेशेवर लोग भी इस ज्ञान के केंद्र पर आकर अपनी बौद्धिक उन्नति कर रहे हैं। कहते हैं पुस्तकें इंसान की सबसे अच्छी दोस्त होती हैं, और पुस्तकालय में लगी एक तस्वीर किताबों की इसी महिमा का बखान करती है। कविता कहती है, किताबें करती हैं बातें बीते जमाने की, दुनिया की, इंसानों की, आज की, कल की, एक एक पल की, खुशियों की, गमों की, फूलों की, बमों की, जीत की, हार की, प्यार की, मार की। क्या तुम नहीं सुनोगे किताबों की बातें, किताबें कुछ कहना चाहती हैं। हर पुस्तकालय की तरह इस पुस्तकालय के भी दो भाग हैं, वाचनालय तथा पुस्तकालय। वाचनालय में प्रकाशित दैनिक अखबारों के अलावा साप्ताहिक, पाक्षिक तथा मासिक पत्र पत्रिकाओं का पठन केंद्र है, और पुस्तकालय में विविध विषयों पर आधारित पुस्तकों का भंडार है। पुस्तकालय में पुस्तकों को उनके विषय तथा महत्ता के अनुरूप संग्रहित किया जाता है। हर पुस्तक को एक विशेष कूट संख्या से अंकित किया जाता है, ताकि उसे खोज तथा संग्रहित किया जा सके। इस पुस्तकालय में पुस्तकें अध्यक्ष की अनुमति से अथवा सदस्य बनकर कोई भी किताब प्राप्त की जा सकती है, और वहां बैठकर भी पुस्तकों को पढ़कर आनंद लिया जा सकता है। अलग अलग सारे सब्जेक्ट ने अलग अलग रखे हुए पाठकों बहुत वधिया तरीके इतों पढ़ सकते हैं, जिस तरह की किताब चाहिए आ, तो ये सारे नंबर लिखे जाए सारे ये लेख वगैरह जिस तरह की किताब चाहिए होंगी वो जो पूछ लेंगे ने, जा कई बार वो अपने आप देख के खुद इस तरीके की किताब ले सकते हैं, इशू करवा सकते हैं। एक हफ्ते के बीच उन्होंने किताब वापस कर दूंगी। पंजाब जैसा राज्य जहां का युवा नशे की गिरफ्त में पड़ चुका है, और गांव के ऐसे स्थान खासकर जहां उच्च गुणवत्ता और विद्यालयों का अभाव है, वहां इस तरह की लाइब्रेरी की भूमिका और भी बढ़ जाती है। पगवंती यादगारी पब्लिक लाइब्रेरी में बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए समय समय पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन करवाया जाता है, तथा कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए बच्चों को प्रेरित किया जाता है। असीनी पलानी बोली है पंजाबी सन, ए हो जिदन जान सड़ी मोतियां दी खान सन, हथों नी गवानी बोली है पंजाबी सन, ते तेरी वड़ियाई वड़ी तेरे गुणां दा जो जी भंडार।
ये प्रोफेसर जसवंत सिंह के ही प्रयासों का प्रभाव है कि आज पंजाब में कम्युनिटी लाइब्रेरी मूवमेंट खड़ा हुआ है और 20 के करीब कम्युनिटी लाइब्रेरीज स्थापित की जा चुकी हैं। अनेकों लोग आज अपने गांव में सामुदायिक पुस्तकालय खोल रहे हैं। किसी ने सही कहा है कि पुस्तकालय से ज्ञान वृद्धि में जो सहायता मिलती है वह और कहीं से संभव नहीं है। विद्यालयों में विद्यार्थी केवल विषय से संबंधित ज्ञान प्राप्त कर सकता है, लेकिन पुस्तकालय ज्ञान का खजाना है। मेरा नाम मास्टर सदागर सिंह है जी। पहला इन्होंने 77 दे विच साडे स्कूल दे विच लाइब्रेरी शुरू कीती सी। उदों सिर्फ 100-150 किताब सी ते उस तों बाद फिर इन्होंने एक लाइब्रेरी मोबाइल लाइब्रेरी जिहड़ी बस सी ओ 18-20 लाख रुपया ला के मोबाइल लाइब्रेरी बनाई। उहदे च किताबां हुंदियां सी, पंज पिंडां दे विच फिरदी सी, एक एक घंटा सारे थों स्टे हुंदी सी। उदों भी कुछ नहीं सी लिया जांदा, फ्री किताबां पढ़न नूं दित्तियां जांदियां सी। इस लाइब्रेरी का उद्घाटन 2 दिसंबर 2000 दे विच कीता गया। इहदा इहदी नीव जां इहनूं बनाउण वाले सरदार जसवंत सिंह U.S.A. उहनां ने ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ। ਲਗਭਗ 15-20 ਜਾਂ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਵੱਧ ਵੀ ਪਾਠਕ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਜਸਵੰਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਨਣ ਮੰਡਾਲਾ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ। ਆਜ ਕੇ ਇਸ ਭਾਗ ਦੌੜ ਵ ਤਕਨੀਕੀ ਚੱਕਾ ਚੌਂਦ ਸੇ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੇਂ ਪੁਸਤਕੋਂ ਕੀ ਓਰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਕੋ रेडियो हमारा 90.4 FM सोलन का सलाम।